अपराध की दुनिया बेखौफ होती है और अपराधी कहीं भी देते हैं वारदात को अंजाम, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो एक न एक दिन जुर्म करने वालों को पहुंचा देते हैं हवालात। नमस्कार, शिवम सोनी आपका स्वागत करता है जुर्म की अंधी गलियों से। आज हमारी खास पेशकश हवालात में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको कर देंगी हैरान, लेकिन यकीन मानिए इन कहानियों में गुनाह करने वाला आखिर पहुंचेगा हवालात। रायपुर में एक शख्स ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए हिस्ट्री शीटर बदमाश में गोली मार दी। डीडी नगर थाना इलाके में हुई यह सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। हिस्ट्री शीटर की सनसनीखेज हत्या। एक शख्स ने मारी गोली, पुरानी रंजिश के चलते हुआ कत्ल। आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। रायपुर में एक हिस्ट्री शीटर के बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात डीडी नगर इलाके में तस्वीर है, जबकि बदमाश को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आत्मरक्षा के दौरान अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई है, जिस घटना की जाँच की जा रही है। ये कल रात की घटना है। रात को तकरीबन 12:15 बजे डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बाईपास है वहाँ पे एक प्रांजल पेट्रोल पंप है सर्विस रोड में, वहीं पर एक पुराना हिस्ट्री शीटर है महंत पाठक उर्फ बुल्टू पाठक, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। इसमें प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि इन लोगों का जो इसमें धर्मेंद्र सिंह है वो रास्ते से जा रहे थे अपने बेटे के साथ और इनका आपस में लाइट को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद जो जिन्होंने गोली चलाई तो प्रांजल पेट्रोल के पास पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक रायपुरा पेट्रोल पंप के पास बीती रात धर्मेंद्र सिंह ठाकुर पेट्रोल भराने के लिए गए थे। उसी वक्त वहां इलाके का हिस्ट्री शीटर बुल्टू पाठक आ गया, लेकिन अचानक पेट्रोल भरवाने की बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। विवाद के वक्त धर्मेंद्र का बेटा शिवेंद्र भी उसके साथ ही था, जो अपने पिता की तरफ से बुल्टू पाठक को समझाने लगा, लेकिन बुल्टू ने शिवेंद्र के पीठ पर चाकू मार दिया। शिवेंद्र को चाकू लगते ही धर्मेंद्र ने अपनी लाइसेंस की रिवॉल्वर निकाली और बुल्टू पाठक पर धनादन चाकू मारा, जिसमें दो गोली बुल्टू को लगी और वह वहीं ढेर हो गया। उस पर आके बुल्टू पाठक और उसका साथी सौरभ बंजारे, जो कि अपने आप को बुल्टू पाठक का साला बता रहा था, इन लोग आके इनके साथ वाद विवाद करने लगे और चाकू निकाल ली। इसके बाद धर्मेंद्र सिंह के पास लाइसेंसी पिस्टल है, जो कि उनको 2007 से मिला हुआ है और वो मीडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते हैं, डिजनी चैनल और स्टार चैनल का। और उन्होंने जब अपने बेटे को चाकू मारते हुए देखा तो अपने लाइसेंसी पिस्टल से 4 राउंड फायर किया, जिसमें से बुल्टू पाठक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और हत्या की पूरी वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जबकि वारदात के बाद आरोपी धर्मेंद्र सिंह ठाकुर ने खुद ही डीजी नगर थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि उसका बेटा शिवेंद्र गंभीर रूप से घायल, उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जो धर्मेंद्र के लड़के हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, उनको भी चाकू से चोट आई है, जो कि खतरे से बाहर है, उनको उपचारार्थ हॉस्पिटल में भर्ती है। फिलहाल इसमें थाना डीडी नगर में अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया और घटना में प्रयुक्त 2 चाकू और 1 पिस्टल, लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस जब्त किया गया और उसमें 2 मिसफायर है और 2 चला हुआ एमटी केस, वो भी बरामद किया गया है और विवेचना की जा रही है। और विवेचना में अभी तक जो बात सामने आई है, इनका ऐसा कोई भी न पुरानी इनकी जान पहचान थी, न इनका कोई पुराना विवाद था,
ना ही एक दूसरे के लोग जानते थे। त्वरित आवेग में आके इतनी बड़ी घटना कारित हुई, उसमें पुलिस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें सभी जो भी इसमें संलिप्तन की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला आत्मरक्षा में हत्या का केस लग रहा है, क्योंकि मृतक बुल्टू पाठक पर शहर के अलग अलग थाने में हत्या के प्रयास जैसे 34 संगीन केस दर्ज थे। जबकि पुलिस को दिए बयान में धर्मेंद्र ने भी यही बात कही कि आदतन अपराधी बुल्टू से अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हवालात के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट।